हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी है विद ट्यूटी फ्रूटी, जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को तो बेहद ही पसंद है। तो अब जैसे कि आमों का सीजन चल रहा है, तो क्यों ना हम इससे आइसक्रीम बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक पका हुआ आम, साथ में लिया है मैंने 1/2 लीटर दूध, जिसको मैंने पहले से बॉइल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। और साथ में हमने लिया है फ्रेश क्रीम 1/2 बाउल लिया है, और साथ में लेंगे हम शुगर। अब सबसे पहले हम मैंगो को छील लेंगे और उसकी क्यूब्स निकाल लेंगे, कट कर लेते हैं इसको इस तरीके से छील कर। ये मैंने क्यूब्स में मैंगो कट कर लिया है और इसे मैं डाल देती हूँ ग्राइंडर में। 4 से 5 चम्मच हम शुगर डाल देते हैं यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 बाउल ली है फ्रेश क्रीम, अमूल की ले रहे हैं, बेस्ट है। और साथ में हम डालेंगे मिल्क, और अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं सभी चीजों को मिक्स करके। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और हम अब जो हमारा बाकी दूध है वो भी इसमें डाल के एक बार ग्राइंडर में डाल के इसको चला लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, और ये देखिए हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी भी बाउल में या बर्तन में डाल देते हैं और डीप फ्रीजर में हम इसको रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये देखिए हमारा 5 से 6 घंटे हो गया है, और अच्छे से ये क्या हुआ था, जम गया था, लेकिन अभी मैंने बाहर निकल के थोड़ा सा इसको मेल्ट किया है ताकि मैं इसको दोबारा बीट कर सकूं। क्योंकि आपने खाया है कि अभी हम ऐसे ही मिल्क में मैंगो मतलब करके मिक्स, और जब हम उसको जमाते हैं और जब हम उसको खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारी जो आइसक्रीम होती है वो हार्ड होती है, लेकिन जो मार्केट की आइसक्रीम होती है आपने देखा बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉफ्ट के लिए आपको डालना है इसमें फ्रेश क्रीम, जो मैंने 1/2 बाउल डाली थी फ्रेश क्रीम, और उसके बाद हमने इसको मिक्स करके रख दिया था। और अभी हम इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और फिर बीटर की हेल्प से इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्राइंडर में डालकर भी इसको चला सकते हैं। तो अब हम बीटर यूज करेंगे, इसमें बीट करेंगे। हम इसको बीट करते जाएंगे, ये फ्लफी होती जाएगी, ये देखिए अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें इसको बीट करते हुए, और ये काफी अच्छे से बीट हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चेरी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और वापस मैं उसी बॉल में डाल लेती हूँ, आप चाहे उसी बॉल में डाल लें चाहे और कोई बॉल ले लें उसमें डाल लें। तो मैंने बाउल में डाल लिया है, और अब मैं डीप फ्रीजर में इसको 5 से 6 घंटे के लिए जमने के लिए रख देती हूँ, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये अच्छे से मैंने फ्रीजर में रख दी 5 से 6 घंटे, और ये अच्छे से जम गई है, बहुत ही अच्छी जमी है। तो अभी हम इसको बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बाउल ले लेते हैं और इसको बाउल में डाल लेते हैं आइसक्रीम को। मैंने बाउल में डाल लिया है आइसक्रीम को, और हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इस पर और चेरी डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी, और बच्चे तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल लेनी है, साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़े से मैंने बादाम कट करे हुए हैं, और थोड़े से पिस्ता। ये बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी, बल्कि मार्केट से भी जो हमारी स्ट्रीट आइसक्रीम है उससे भी बहुत ही टेस्टी हमारी
आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें स्पून और अब हम इसको फटाफट सर्व कर देते हैं। तो फटाफट मेल्ट होने से पहले मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हम मिल्क ले रहे हैं उसको हम पहले ही गर्म करके ठंडा कर लेंगे और दूध में फुल फैट क्रीम वाला ही दूध लेना है और उसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। और साथ में मैंगो को छील के हमें अच्छे से क्यूब करके और उसमें मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है, उसको ठंडा करके हमें जमाना है और जब वो अच्छे से जम जाए फिर थोड़ा सा मेल्ट करके फिर हमें उसे बीटर से बीट करना है। अगर बीटर नहीं है तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्राइंडर से भी उसको कर सकते हैं थोड़ी देर फेंट कर और फिर वापस हम उसको डाल जमा दें उसमें फ्रीज़र में। और दूसरा कि अगर आप टूटी फ्रूटी नहीं है तो उसकी जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली आइसक्रीम है और बहुत ही टेस्टी है। और साथ में मैंने इसमें जो क्रीम यूज़ करी है अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ करी है, आप डेरी की भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसमें मलाई भी फेंट कर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बनाइए मैंगो आइसक्रीम, मार्केट से भी सुपर टेस्टी और यम्मी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा देखें और ध्यान से रहें। टेक केयर, बाय बाय।